नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दैनिक भास्कर के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब खबर है कि इनकम टैक्स की टीम ने भारत समाचार न्यूज चैनल पर छापेमारी की है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी। ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आयकर विभाग भारत समाचार न्यूज चैनल के प्रमोटर और एडिटर इन चीफ की तलाशी कर रहा है। इसके अलावा दफ्तर और प्रमोटर्स के आवास पर भी टीम पहुंची है। पोर्टल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार एडिटर इन चीफ, स्टेट हेड समेत चैनल के कर्मचारियों के घर पर भी IT की टीम ने छापा मारा है। इससे पहले खबर आई थी कि भास्कर समूह के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की आलोचना करने और सरकार की नाकामियों को दिखाने की वजह से ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि दैनिक भास्कर कोरोना की दूसरी लहर की तबाही पर रिपोर्टिंग करने में सबसे आगे था। दैनिक भास्कर ने कोरोना महामारी के दौरान आधिकारिक दावों पर आलोचनात्मक रुख वाली रिपोर्टिंग की एक सीरीज प्रकाशित की थी। वहीं भारत समाचार ने भी कोरोना में सरकार की नाकामियों को और लापरवाही को जमकर प्रसारित किया था। अब सवाल यह है कि कहीं यही कारण तो नहीं है कि सरकार को IT रेड का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा, पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार IT, ED, CBI। मुझे विश्वास है कि अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। आयकर विभाग के अधिकारी समूह के करीब 6 परिसरों पर मौजूद हैं। इनमें राज्य की राजधानी भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स में उनका कार्यालय भी शामिल है। बता दें कि कोरोना संकट के दौरान दैनिक भास्कर की तरफ से कई ग्राउंड रिपोर्ट किए गए थे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखबार समूह दैनिक भास्कर और भारत समाचार न्यूज चैनल के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापों की आलोचना की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा मीडिया को दबाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र में सत्तारूढ़ BJP की फासीवादी मानसिकता का परिचय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।